अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर अमानत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ईद कुर्बान की आमद है और शहर शहर में कुर्बानी के लिए लाए गए जानवरों की मंडियां सज गई हैं। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है और अपनी कुदरत का इजहार भी वो करता रहता है। मैं इस वक्त गुजरांवाला शहर की एक बड़ी मंडी ख्याली मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर खानपुर से एक बकरा लाया गया है जो ब्रीडिंग भी करता है और साथ दूध भी देता है। ये दूध देने वाला बकरा जो खानपुर से गुजरांवाला में लाया गया है, इसका वज़न तकरीबन 2 मन से ऊपर है। बकरे के मालिक का कहना है कि बकरा दोंदा है और ये कुर्बानी के लिए बिल्कुल जायज़ है। हम जब इस बकरे के पास गए और इस बकरे के मालिक से हमने इसका दूध निकालने का कहा, तो उन्होंने दूध भी निकाला और इस पर उनका कहना था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भजन, क्या नाम है आपका? इलियास। कहाँ से आए इलियास साहब? गुजरांवाला से। गुजरांवाला से हैं? कहाँ से? उस्मानिया जी बैक साइड से। अच्छा, अभी आपने वो एक बकरा हमें दिखाया है जो जिसका आपने दूध निकाल के दिखाया अपने हाथ पे, तो क्या कहते हैं आप इसके बारे में? मतलब आप कुछ बताएंगे आप? भाई वो ये कुदरती काम है, ये आगे कभी सुना नहीं है, कभी ऐसे हुआ नहीं है, ये कुदरती काम है, ये अल्लाह के मसले हैं, अल्लाह को ही पता है। ठीक है, वो कुदरत है, वो उसका ही काम है, कभी देखा ही नहीं है, कभी सुना भी नहीं है, आज देखा है और आई। आपने तो खुद करके दिखाया ना, मतलब अपने हाथ से? अपने हाथ से निकाल के और दिखाया। अच्छा, वो दूध जो आप मतलब उसका दूध धोया है जो आपने दिखाया है जी, उसका कलर क्या था? उसका कलर थोड़ा सा ना वाइट है। नहीं, खून की मालिश तो नहीं है? खून ऐसे है जैसे उसमें मिला हुआ है कोई? जी जी। अच्छा, तो ये अच्छा वो जी, पीने वाला नहीं होता? पीने वाला। नाज़रीन, ये दूध देने वाला बकरा कुर्बानी के लिए गुजरांवाला की ख्याली मंडी में मौजूद है और लोगों की बड़ी तादाद इसे देखने आती है। ये दूध देने वाला बकरा जो खानपुर से लाया गया है, इसका वजन तकरीबन 2 मन से ऊपर है। जो लोग दूध देने वाले इस अनोखे बकरे को देखना चाहते हैं, वो गुजरांवाला की ख्याली मंडी का विजिट करें, वहां पर ये बकरा एक अलग पॉइंट पर मौजूद है। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स करें।